गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते अच्छे ही होगे। क्या खा रहे हो तुम? सोन पापड़ी? क्या खा रहे हो? बताओ क्या खा रहे हो? तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, तुम बताओ क्या खा रहे हो? क्या जल्दी बताओ क्या खा रहे हो? बताओ अभी जाना पड़ेगा मुझे बाहर। क्या हल्ला नहीं तो क्या कर रहा है लड़का? वीडियो देख रहा है। देख लो भाई लोग, सुबह सुबह कितना लंबा ये जाम, पता नहीं क्या है यार। हर दिन सुबह जाम लगा ही रहता है यहाँ पे। जब भी निकलो ये सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये कॉमन हो गया है आजकल तो। हर दिन का है, क्या करेगा आदमी। आधे घंटे यहाँ टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद आधे घंटे और लगता है, तो इससे बचना मुश्किल है। चलो अब क्या करेंगे, जब ग्रीन होगा निकलेंगे। तीन बार में पहुंच पाएंगे सिग्नल तक, तीन बार कम नहीं होता। स्टिल अब जाना तो है ही मुझे, जाएंगे। एक बात और है कि ये जो कर रहे हैं, मान लो कि जाम लगा देते हैं हर दिन, इसका कोई ना कोई उपाय तो करना चाहिए। तो भाई लोग आज तो हद मचा हुआ है, हर तरफ जाम, पता नहीं क्या हुआ है। गाड़ी लगा के लोगों ने इधर उधर कहीं कोई कोई जाम लगा दिए हर तरफ। अभी दो दिन बाद से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी तो और जाम लगेगा, क्योंकि पूजा में तो भाई यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो पता नहीं क्या है, थोड़ा सा मैनेजमेंट सुधारना चाहिए, लेकिन कोई करते नहीं। यहाँ पे 1 किलोमीटर लंबा जाम हर दिन का है, निकलना मुश्किल। तो क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, अब जो होता है वो तो हो ही गया। और हर दिन कोई ना कोई जाम लगाए है, तो इसका कोई छुपाए तो ऐसा कर दो कि 10 सेकंड्स का ही लगा दो ट्रैफिक सिग्नल, चारों तरफ 10-10 सेकंड। देखो यहाँ भी जाम लगा हुआ है आजकल हर तरफ। यहाँ तो इलेक्शन के चक्कर में जाम होगा, बॉर्डर पे चेकिंग होती रहती है, तो हर दिन यहाँ जाम लगा रहता है। ये बॉर्डर चेकिंग इलेक्शन के चक्कर में अब 1 हफ्ता ये रहेगा, 5 तारीख को इलेक्शन है शायद हरियाणा में। तो जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा ये जाम ख़त्म नहीं होगा। हर दिन चेकिंग होता है, गाड़ी रोक रोक के चेक करते हैं, पता नहीं। तो सारे काम तो अभी ही है, क्या करें। तो चलो गाइस, अब इससे क्या होगा, करें जैसा है वैसा करना ही पड़ेगा। आज गाड़ी लगाया दूर, बहुत दूर पार्किंग में, तो अभी वहाँ पहुँचेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर निकल लेंगे। देखो, देख रहे हो गुड़गांव मस्त बना हुआ है। अभी देख लो भाई लोग, ऐसा हो रखा है एकदम। ये भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। और एक बात है, देखो जैसे थोड़ा ही, देखो अब धीरे धीरे डेकोरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि है कल परसों, ओके 2 दिन बाद दशहरा शुरू हो जाएगी। दशहरे के बाद तो दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार है दिवाली 30 तारीख को ही, 30 तो बस किल के 1 महीने टाइम है। 13 को दशहरा खत्म होगा, उसके बाद से बस दिवाली की तैयारी शुरू। तो ये सिचुएशन तो मतलब बन रहा है अभी। तो अभी देखो थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है, सब कुछ वैसा ही है, देखते हैं क्या बन पड़ता है। जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये है कंडीशन फाइनल अभी जो चल रहा है। तो आप यहाँ से ये देखो भाई,
में तो यही दो तीन लोकेशन है जो कि देखना है कि हाँ भाई है कुछ। और देखते देखो गाड़ी में पेट्रोल है कम, अभी जाएंगे पेट्रोल लेंगे और फिर प्रेशर भी चेक करा लेंगे एक ही बार क्या है। तो आज पेट्रोल लेना, कल ही ले लेता मैं लेकिन भूल गया था, तो चलो आज लेंगे और उसके बाद देखते हैं घर निकलते हैं। यहाँ तो हमेशा भीड़ ही है, देख रहे हो कितना भीड़ है भाई साहब, गाड़ियाँ लाइन लगी हुई है। पेट्रोल में लेना हो गया लगता है कि क्या है, इतनी भीड़ तो शायद ही कहीं होगी, देख ही रहे हो आप लोग। और मुझे लग रहा है 15 मिनट तो मुझे पेट्रोल लेने में लगेगा, एक बार पेट्रोल लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, पता नहीं क्या करेगा आदमी। तो ये दिक्कत है, अभी इससे निपट लें पहले एक बार फिर निकलते हैं यहाँ से। पेट्रोल तो ले लिए और अब देखो प्रेशर ही कराना है चेक, क्योंकि इसके बिना कैसे गाड़ी चलेगी, एक बार हो जाए ठीक तो निकलते हैं यहाँ। देखो एक तो फायदा है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप पे प्रेशर भी चेक हो जाता है, कहीं कहीं पे देखता हूँ इतनी भीड़ होती है कि आप लाइन लगे रह जाओगे, इससे अच्छा है कि आप निकलो ले लो प्रेशर भी चेक कर लो निकल लो, तो अच्छी बात तो यही है, फायदे वाली बात है। पेट्रोल के बाद प्रेशर भी चेक हो जाता है, नहीं तो भाई मुश्किल है। तो चलो ये भी काम हो ही जाएगा लगे हाथों। भाई कह रहे बढ़ाओ बढ़ाओ, पता नहीं काम बढ़ाने को। खड़ा हो गया जिस बात का डर था वही हुआ, यहाँ आते आते जाम मिल गया, क्या करे। देख रहे हो अब जितनी जल्दी जाम से निकल जाए भाई, एक बार सिग्नल ग्रीन होता है तो कुछ दूर तक तो निकल ही जाएगा आदमी देखो, और उसके बाद फिर क्या होगा, रिंग रिंग के पहुंचने एक घंटा खड़ा हो जाता है। देख रहे हो स्कूटी वाले को बिना हेलमेट का ऐसे चला रहे हैं वो, देखो स्कूटी वाले का कमाल है, ऐसे ही चलाता है पता नहीं बिना हेलमेट का, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है।